दोस्तों, आज तक आपने तरह तरह की अनबॉक्सिंग देखी होगी, लेकिन आज तक आपने ऐसी अनबॉक्सिंग के बारे में ना कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, आज का आनंद, जिसका नाम है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरव, आप देख रहे हैं रिपोर्टर गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एक समाचार पत्र जिसका नाम है नवभारत टाइम्स, लेकिन हम इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले, क्योंकि इसका अगर आप प्रथम पृष्ठ देखते हैं तो पूरा विज्ञापनों से भरा हुआ है, और हमें ऐसे समाचार पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है जिसमें विज्ञापन भरे हुए हों। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग नहीं, बल्कि हमारे पास एक दूसरी तरह का समाचार पत्र है जिसमें कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई भी विज्ञापन देखने को नहीं मिलता है। तो हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग और डब्बा खोल करके देखते हैं क्या मिलता है। एक्चुअली बात कही जाए तो हमारे पास कोई डब्बा ही नहीं है, तो डब्बे की बात कर ही नहीं सकते हम। हमारे पास सीधे सीधे समाचार पत्र है, और इसके जो प्रथम प्रश्न है, यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई विज्ञापन देखने को नहीं मिलता, तो ये कमाल की बात है। क्योंकि अगर आप बाकी समाचार पत्रों या विज्ञापनों की तरफ जाएं तो एक्चुअली विज्ञापन ही कहेंगे उन्हें, समाचार पत्र कहना तो हमारी गलती होगी, क्योंकि हर एक पूरा समाचार पत्र जो है विज्ञापनों से भरा हुआ है, तो हम उन्हें विज्ञापन ही कह सकते हैं। लेकिन इस समाचार पत्र में कुछ खासियत है कि इसमें आपको न्यूज भी देखने को मिलती है, यानी कि समाचार भी देखने को मिलता है। तो वो इस न्यूज पेपर को, इस समाचार पत्र को खास बना देती है कि आपको एक्चुअल न्यूज देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम बाकी समाचार पत्रों की बात करें तो वहां पर आपको न्यूज के नाम सिर्फ बॉलीवुड की चीजें ही देखने को मिलती हैं और गॉसिप्स ही देखने को मिलती है। तो इसमें पहले न्यूज की तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो जो पहला न्यूज है हमें, तो वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। पाकिस्तान ने वापस से भारत के ऊपर कुछ आरोप लगाए हुए हैं, और उन आरोपों को खारिज करते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने कुछ कहा है। तो हम देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आए हुए हैं कुछ चीजों को लेकर के, सेक्शन 377 को लेकर के, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जो है मोदी सरकार ने कुछ चीजें जो है हमारे सामने लाई है। विज्ञापन की बात हमने कही थी, लेकिन हमें यहां पर एक विज्ञापन देखने को मिलता है, साइड में काफी छोटा सा विज्ञापन है। तो इसको देख करके मैं काफी सरप्राइज हूँ, काफी शॉक हूँ, इतना ज्यादा शॉक हूँ कि एक्सप्रेशन भी आपको दिखा नहीं सकता। तो काफी ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता कितना शॉक हूँ मैं अंदर से। आपको दिख रहा नहीं होगा कि मैं शॉक हूँ, लेकिन मैं शॉक हूँ अंदर से, मुझे पता है। मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा कितना ज्यादा शॉक हूँ कि मैंने जो है MSCIT का यहाँ पर मुझे एक विज्ञापन देखने को मिलता है। ऐसा विज्ञापन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विज्ञापन का साइज काफी छोटा हुआ है। और क्या बोल सकते हैं, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ। उसके बाद अगला जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि कांग्रेस ने फिर से कुछ आरोप लगाए हुए हैं बीजेपी सरकार पर। उनका कहना है कि जो बीजेपी सरकार की योगी सरकार है जो उत्तर प्रदेश में है, वो जो है कुंभ मेला का आयोजन सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि जो हिंदू लोग हैं उनके पार्टी में आ जाएं, और लोकसभा चुनावों के लिए कर रहे हैं और किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी कुछ छोटी मोटी खबरें जिनमें आपकी कोई रुचि नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने बताना अपना फर्ज समझा क्योंकि इस समाचार पत्र में ये खबरें छापी गई हैं। जो हम मुद्दे की बात पे आते हैं, पहली खबर ये आ रही है कि बॉलीवुड में राखी सावंत ने फिर से बवाल मचा दिया, और इस बवाल को शांत करते हुए बीच में हमारे पास एक जो है दीपक कलाल नाम के शख्स का जो है इंट्रोडक्शन हुआ था, और उस शख्स के बाद में कुछ पिटाई हुई। तो उस पिटाई के बाद अब वो शख्स लोगों को धमकियां दे रहा है और बता रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, अपनी लोकेशन शेयर कर रहा है। देखते हैं अगली बार कौन पीटने की हिम्मत करता है इस शख्स को, क्योंकि बड़ा ही पहुँचा हुआ किस्म का ये शख्स है। मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ, मुझे पता है कितना पहुँची हुई चीज़ है ये, तो हम इसे इग्नोर करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो हमारे पास ये है, न्यूज़ नहीं है ये तो बवाल है। मतलब ऐसी फ़ोटोज़ कौन छापता है यार, मतलब दिल जीत लिया ऐसी फ़ोटोज़ तो। इसी के लिए तो मैं न्यूज़पेपर यानी कि विज्ञापन यानी कि समाचार पत्र, मतलब इसने मेरा ध्यान भटका दिया, क्षमा चाहूँगा मैं। ऐसी फ़ोटोएं, ऐसी तस्वीरें, ऐसी फ़ोटोएं नहीं छापनी चाहिए न्यूज़पेपर वालों को, लेकिन छापते रहना ऐसे। शुक्रिया न्यूज़पेपर वालों का, शुक्रिया आज का आनंद, इनके संपादकों का शुक्रिया। तो अब उसके बाद अगली जो खबर है, ये खबर भी बताने लायक नहीं है, सिर्फ दिखा ही सकते हैं लेकिन दिखा भी नहीं सकता, वरना YouTube जो है कॉपीराइट, या कॉपीराइट नहीं, क्या बोलते हैं, अरे यार मेरा दिमाग ठिकाने से हट गया, मेरी समझ नहीं आ रहा है। ऐसी तस्वीरें इसीलिए कहता हूँ कि संपादकों को नहीं छापनी चाहिए, छापते रहना लेकिन नहीं छापनी चाहिए, वरना जो है युवकों का जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो हिल जाता है और ठिकाने पर नहीं रहता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जो आपको पढ़नी चाहिए इस समाचार पत्र में, और खबरें पढ़ो या ना पढ़ो, अंत में जो कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं उन्हें जरूर देखना, क्योंकि इससे काम में दिल लगा रहेगा, मनोरंजन होता रहेगा, युवकों का दिल धड़कता रहेगा, और ऐसे ही आपका काम चलता रहेगा। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमने रखा हुआ है इसका गिव अवे 1, 2, 10, 1000 या 5000 नहीं, बल्कि पूरे 6901
कि वो ये रखा हुआ है, हमने 6901 कॉपीज हमने इसकी ऑर्डर किया हुआ है, इतना तो ये समाचार बिकता भी नहीं है, इतने तो सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। तो संपादकों ने हमें खुद कहा है, एडिटर्स ने हमें खुद कहा है कि इतना हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हम पहली बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि 6901 समाचार एक साथ बिकने वाले हमारे समाचार पत्र। तो हमने ऑर्डर दे दिया है, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए हमने गिव अवे रखा हुआ है। तो आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बस करना है इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने 10 दोस्तों के साथ करना है। अगर आप 10 में से किसी भी एक के साथ नहीं करोगे तो आप गिव अवे नहीं जीत सकते, बस इतना ही सा कंडीशन है। अगर आपने शेयर कर दिया तो आप गिव अवे जीत जाएंगे। ये समाचार पत्र आपको अगले साल के अंत तक जरूर मिल जाएगा, नहीं मिला तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, हम आपके कमेंट का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करेंगे। अन्यथा आप वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा बड़ा पता नहीं क्या बोलना था मुझे, मैं अपना लाइन भूल गया, बट स्टिल मैं कहता हूँ कि फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, गिव अवे में पार्टिसिपेट करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे रिपोर्टर गुरुजी के अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम। अंत में बस एक चीज कहना चाहूंगा, चलिए खत्म करते हैं।